दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ेड़ा ऊना। किन्नौर जिला के मीरू पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित 20 मेगावाट क्षमता वाली भूमिगत जल विद्युत परियोजना निर्माण प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ अंतिम समझौता पूर्ण होने से पहले ही शुरू कर दिया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों के साथ सीधे टकराव की स्थिति पैदा करने से ग्रामीणों में कंपनी के विरुद्ध भारी रोष देखा गया। इसी कड़ी में रविवार को मीरू पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहुँचने कार्य को तब तक रोकने के लिए कहा जब तक कि कंपनी व ग्रामीणों के बीच अंतिम फैसला नहीं हो जाता। रंग में जो कंपनी के मनमानी तरीके से चल रहे कार्य को रोकने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे गांव के सभी पंजीकृत कमेटियां वो ग्राम पंचायत मीरू इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने इन रिटर्न लेटर कंपनी व प्रशासन को 2 दिन पहले 16 तारीख को हमने दिया हुआ है कि जब तक गांव में यह समाधान नहीं होता है गाँव व कंपनी के मध्य, तब तक इस कार्य को शुरू ना करें। फिर भी यहाँ पे जोर जबरदस्ती में आकर के यहाँ पे कंपनी ने आज तीसरा दिन कार्य शुरू हो गया है, तो हम प्रशासन और कंपनी से ये गुजारिश करते हैं कि जब तक ये कार्य गांव से अगर समझौता नहीं होता है तो ये कार्य को शुरू ना करें। यही हम एक सूचना देना चाहते हैं कंपनी को। धन्यवाद। हम FRA की ओर से हम एक अपना एक मत रखना चाहते हैं, तो FCA क्लियरेंस के तहत जो यहां से गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू कंपनी को, तो उस लिहाज से हम तो कंपनी के फेवर में भी है और ये प्रोजेक्ट को हम रोकना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये NOC पहले जा चुका है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि इसमें कंपनी जो है हमारे यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके मनमाने तरीके से हमारी सामाजिक शांति को भंग करने का एक प्रयास कर रही है। उस लिहाज से हमारा रोष है कि जब तक हमारे पुराने सेटलमेंट नहीं हुए हैं उसको पूरा प्रॉपर तरीके से सामूहिक सद्भावना या उसको मेंटेन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उसको हल करने के लिए पहल करें। हमारा इतने कहना है कि क्योंकि जो कंपनियां हैं वो अपने मनमानी रवैया कराती है। अब FCA के तहत जितने पेड़ जो कट रहे हैं आपको सबको पता होगा 75 पेड़ आपको FCA के तहत मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये बहान के पेड़ हैं ये प्रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इसमें डैमेज हमारे इससे 75 से भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो हम प्रोजेक्ट को रोक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पुराने हमारे इनके साथ मुद्दे हुए हैं उसको पहले समाधान की ओर जाते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से चालू रखें। बाकी हमने इतने कहना है, बाकी हमने को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। हम यहाँ पे आने पे सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से कंपनी ने अपने मनमानी तरीके से इस गाँव में काम करना शुरू किया है मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। जब तक गाँव के साथ समझौता नहीं होता है तब तक आपको इस कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए था। हमने वक्त दिया था, टाइम दिया है, उस टाइम की पीरियड के अंदर हम गाँव वासियों के साथ मिलकर आप इस प्रोजेक्ट को चलाने में तथा जो गाँव के साथ जो भी संवाद रहा है चाहे एग्रीमेंट बोलो चाहे कुछ भी, क्योंकि इतने वर्ष हो गए हैं तो इस चीज़ों का समाधान की तरफ बढ़ना हमारा पंचायत की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहना चाहूँगा कि ऑन लोकेशन पे हमने सबको बुलाया है, SDM मैडम को बुलाया है, DC को बुलाया है, वो भी कोई नहीं आ रहे हैं। पर जहाँ तक की बात है हम पंचायत की तरफ से ये पूरी तरीके से आक्रोश में हैं कि हम ये चाहते हैं जब तक गाँव के साथ सही से रजामंदी नहीं बनती है तब तक इस काम को रोका जाए। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है ना, ठेकेदार जी हमारे सर क्यों करेंगे हम तो प्रोजेक्ट एक बात करो मिल के बोल रहे हैं, आप इनको ये बोलिए वर्क ऑर्डर दिखाओ आप क्या बात कर रहे हो आप मेरा जी। हां जी आप अपना हमारा तो वर्क ऑर्डर हां जी दिखाओ आप दिखा दो हमारे को आप दिखा दो सर हमारे दिखाओ लेके तो नहीं है कमाल कर रहे हैं यार आप देना तो जरूरी है ना काम चला हुआ है आप यहां पे वर्क ऑर्डर तो पंजाब को दिखाना जरूरी है आपको वर्क ऑर्डर में आपको भेजूंगा अभी नहीं नहीं आप ही दिखाओ ना आप ताकि हमारे को शॉर्ट ही रहे कि आप वर्क ऑर्डर आप लीगली आप यहां पे हैं जो भी है मंगवा लो वो मंगवा लो आप उसको लोकल आप किसी के घर में जा रहे हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा ना आपको दरवाजा खोलने से पहले। आप विदाउट वर्क ऑर्डर दिखाएं आप लोग हमारे को कैसे मानेंगे। ये बहुत पहले बहुत DLI कंपनी में चले के तभी तो वहाँ घुसे गए थोड़ा फर्स्ट में हमारे लोकल लोग जो रहे एग्रीमेंट लाया हमने पहले काम ये नहीं बोल रहे
आपने कोई प्रूफ जाय बोली के दिया हम ने काम दिया जी दिया सब दिया था अभी परसों ही आने टीम दिया जाके तो अपना खेल खोल रहा बात हुई बधाई जी लोग कोई बात हुई पीछे हो जाओ आराम से किसी से दो चार मीटिंगें भी है तो उसमें नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा दीजिए मैं थोड़ी देर जबरदस्ती नहीं है जबरदस्ती नहीं है सर क्या बात है जबरदस्ती हुई है जबरदस्ती हुई है नहीं दिया मैंने क्या देखो बनाते हैं गांव वाले नहीं मान में वो चला रहे उसे पीछे भी हमारे नुकसान की भरपाई नहीं हुई है क्या बात कर रहे हो एसटीम साहब है किसी साहब है बैठो अब हम बात मार्किंग हुआ बोल सर्वे वाले कहाँ मतलब छोटे पत्थर गिर रहे हैं कहीं दिव्य हिमाचल के लिए रिकॉन्क्यू से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में जिला ऊना का हिमकैप्स लॉ व नर्सिंग संस्थान बढेड़ा बुलंदियों को छू रहा है। सहकारिता के जन्मदाता मियां हीरा सिंह की यादों को समर्पित संस्थान के विकास कार्यों को चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चार चांद लगा रहे हैं। प्रोफेशनल शिक्षा के इस मंदिर में प्लस टू पास विद्यार्थी बीए एलएलबी व बीए पास स्टूडेंट्स एलएलबी डिग्री कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं। लॉ संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू हो गए हैं। नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व एएमआरयू से मान्यता प्राप्त है। नर्सिंग कोर्स में छात्राओं के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम व एएनएम कोर्सों में भी छात्राएं एडमिशन ले सकती हैं। संस्थान में पास आउट स्टूडेंट्स सरकारी व नामी गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे, हॉस्टल सुविधा, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मूट कोर्ट, सभागार, लाइब्रेरी, फंडामेंटल एवं कॉमन प्रयोगशाला, ग्राउंड समेत तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। संस्थान में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 88947-79631 या 88372-95177 पर।